आज हम बात करने वाले हैं अपाची RTR 160 और अपाची RTR 180 के टैंक फ्रेम अगर टूट जाए तो आप खुद से घर में कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम बिना सर्विस सेंटर जाए इसको खुद से कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ 5 रुपये में। और एक बात, अगर आप इसको सर्विस सेंटर में बनाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये तक लग जाते हैं। तो चलिए आज की हम ये वीडियो शुरू करते हैं। पांच चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक ये 5 नंबर का एलन की आपको लेना है, ये 4 घाट बने रहेंगे इस टाइप के, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। क्विक ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, रेजी क्विक ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी रेजी क्विक यूज़ करूँगा। और इस टाइप का एक वायर, ये 12 नंबर का, इसमें से कोई एक सा भी आप ले सकते हैं। तो ये टैंक फ्रेम को हमें ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें एक की चाहिए, क्योंकि हमें ये खोलना होगा। ये खुलेगा, फिर सीट खुलेगा, उसके बाद ही हम यहीं से खोल सकते हैं। यहाँ से इसको खोलेंगे, खोल देना है आपको, ये वायर खींचेंगे तो ये सीट खुल जाएगा। इस तरह से ये खोल दीजिए आप। इसके बाद आप ये पेट्रोल का सप्लाई बंद कर दीजिए, और जो पेट्रोल का पाइप देख रही है जो जा खींचेंगे ये खुल जाएगा। ये जैक खोलना है आपको, तो इससे ये खोल देना है। तो हैंडल सीधा रखिए, एक नट यहाँ पे खोलना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक नट यहाँ पे भी खुल जाएगा ऐसे करके ही। ये टैंक फ्रेम जो है अपाची का, यहाँ पर देखिए टूट गया है मेरा, ये यहाँ पर ये टूट चुका है, देख सकते हैं। ये रबड़ इसमें फंसा हुआ रहता है, इसकी वजह से ये आवाज़ भी काफ़ी करता है ये टूटने के बाद। ये जो तार देख रहे हैं, एक तार लेना है, जैसे आप इसको छिल के निकाल दीजिए। तो ये तार को इस तरह से कर देना है, इसको आप इस पर लगा दीजिए। अब आप ये देख रहे, ये सूख चुका है, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है। अब इसको हमको लगा दें, ये लगा देना है। चलिए ये हमारा हो गया रेडी। ये हमने यहाँ पे भी ये नट लगा दिया, एक यहाँ पे भी लगाया है, एक यहाँ पे 2 नट है, ये 2 नट भी लगा दिए। इसको भी मैंने ऐसे ही जुगाड़ करके बनाया था। अगर आप सर्विस सेंटर में जाकर बनवाते हैं तो ये पूरा चेंज ही होता है, ये 1000 रुपये का पड़ता है, 5 रुपये में ही इसको बना लिया। तो ये होता है जुगाड़। लगा दीजिए 12 नंबर से, इसको टाइट कर दीजिए। ये हमने जो ये फ्यूल बंद करके ये खोला था फ्यूल पाइप, अब इसको हम लगा देते हैं। देखा आपने, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, पेट्रोल टंकी को लगाने के टाइम आप एक फ्रेम की सहायता ले सकते, क्योंकि वो उठाने के बाद वो पाइप निकालना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने 1000 रुपये बचा सकते हैं। टूटा हुआ जो पेट्रोल टैंक फ्रेम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप 5 रुपये में भी बना सकते हैं, 10 से 15 मिनट का काम है। बोर्ड डालने के बाद आप कुछ बालू वगैरह डाल दें तो जिससे वो पकड़ अच्छा बना लें।